Hey guys, welcome back to our channel Aryan RJ. कैसे आप लोग? मैं अच्छा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आई होप कि वीडियो भी देख रहे होंगे। तो गाइस, मैं हूँ अभी न्यू फ्लैट में, मतलब जहाँ पे हम लोग फ्लैट लिए हैं। जी हाँ, हम कोलकाता में फ्लैट लिए हैं इसके लिए क्योंकि नहीं हो पाता था। अगर हम लोग को शूट वगैरह करना रहता था तो अकेले नहीं हो पाता था और मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ाई के साथ साथ जो भी कर रही है तो बढ़िया अपना करते हैं, बट जो ये वीडियोस है और रील्स वगैरह ये मैं नहीं चाहता हूँ छोड़ना। और अगर दोनों चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम, तो चलेगा ही। तो चलिए मैं आपको अभी रूम दिखाता हूँ कैसा है। और अभी हम रूम है नीचे मेरा। हाँ, सिर्फ नहीं हो प्रॉपर, मतलब अभी ले लिया है, सामान वगैरह रख दिए, ज़्यादा भी नहीं रखे, अभी बहुत कुछ लाना बाकी है। तो चलिए रूम दिखाते हैं। और ये है छत जो अभी हम लोग आए थे रील्स बनाने, उसका ये छत है। तो चलिए वहाँ नीचे अच्छा दिखाते हैं। बहुत ही लड़की ऑनर है, लगा दिया क्या? बंद है, घूम के बाद खोल रही है बोली। अच्छा, तो चलिए दिखाते हैं अभी। और जो इसका इसका भी इसका घर उधर है, मतलब सामने पड़ता है, सामने भी घर है इसका और इसका स्कूल भी सामने, सब कुछ। हम चाहते हैं ये वीडियोस के साथ साथ जो भी कर रही है, मैं नहीं चाहता हूँ उसमें इंटरफेयर करना, बट कर रही है और पब्लिक का क्या कहना हमको उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग जो भी कमेंट करते हो इसको यहाँ पे लेते ही नहीं है, ठीक है? तो चलते हैं अभी नीचे। आधा सुंदर, आधा क्या हुआ? तो गाइस, ये हमारा रूम। चलिए, यह पहला रूम और फैन भी लगवा लिए हम लोग अभी। और यह है किचन हम लोग का, क्योंकि काफ़ी स्पेस है यहाँ पे, मतलब अच्छे से खाना वाना बना पाएंगे हम लोग। चांदनी भी बनाएगी, हम भी बनाएंगे। और यह हमारा बाथरूम, मतलब ठीक ठाक है। और ये है दूसरा रूम, मतलब और कपड़ा रखने का भी मतलब जगह भी है यहाँ पे, अनबारी भी दिया हम लोग को, तो बहुत ही अच्छा है कि हम लोग को अनबारी नहीं खरीदना पड़ेगा, एकदम बहुत सेफ बना के दिया है। और एक इधर भी मतलब पलंग लगे और तब हम उसे सेट वेट कुछ करेंगे, सजाएंगे तो बाद में ही करेंगे, जो जो कमी है उसको सिर्फ लाना है बस। तो आप लोगों को रूम कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसमें सफाई वगैरह बाकी है करना? नहीं, सफाई हो चुका है, हमारा जो पेंट हुआ ना तो उसका कलर गिरा हुआ है, तो साफ हो जाएगा आराम से। और हम लोग सिलेंडर भी लेंगे, खाना वाना भी बनाना स्टार्ट कर देंगे यहीं से। और पास में भी ससुराल है। और जिधर हम रूम लिए हैं उधर क्या किसी चीज़ का ये नहीं है, मतलब सब सामने हम लोग का दुकान, सब्जी हर एक चीज़ का दुकान सामने पड़ जा रहा है, तो दूर नहीं पड़ रहा है, तो हमको यही बहुत अच्छा लगा कि घर के सामने ही है। और क्या होता है कि दूर दूर कितना आदमी को जाना पड़ता है, कुछ कुछ सामान वामान कभी पड़ जाता है, हमको तो पास में ही पड़ गया, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा का बात है। तो आगे पढ़ाई करना चाहती हो कि नहीं? तुम पढ़ाई क्यों नहीं करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, वीडियो बनाएंगे, वो हम से हो रहा है इसीलिए हम करना चाहते हैं। तो हम लोग का ये रूम रहेगा और हमारे साथ एक और भाई है, तो उसका ये रूम दिए उसको। और यहाँ पे मम्मी तब तक पूजा करने की तैयारी कर रहे हैं, गंगा जल सब लोग मतलब छिटकारा मारेंगे, है ना? हाँ। छीटेंगे तो फिर घर को से शुद्ध किया जाएगा, फिर हम लोग रहेंगे। नहीं तो हम लोग अभी दो दिन हो गया अभी इस रूम में नहीं रहे। आज हम लोग ने घर में होली खेले, इसका इसका वजह से पूरा कलर कलर कर रहे, मेरे हस्बैंड ने पूरा कलर कलर कर दिए, अपना शादी के संग होली खेले।
इसका भी फेस पे भी होली अभी लगा है, देखिए रंग कलर। हाँ, बाल रंग करवाए ना। ठीक है। और मेरा भी पूरा ये खराब कर चुके हैं, क्योंकि पता नहीं अच्छा कौन सा है ये, इनका ये मन हो गया होली खेलने का। पूरा अभी भी देख सकते हैं पूरा कलर है, पूरा कलर है, इधर साइड साइड भी पूरा कलर है। तो रहेगा नहीं, और घर अच्छा से पोछाया नहीं है, इसको हमको ही पोछना पड़ेगा अच्छा से, आप लोग से नहीं कुछ हो पाएगा। पोछा मारने तुम जानती हो बहुत अच्छे से, अब तुमको ही करना पड़ेगा ना ये सब, सब कुछ तुमको, इसी रूम में खाना बनाना पड़ेगा। और बहुत ही चीज में कमी है। हाँ। क्या कुछ चीज का कमी नहीं है अब, ठीक है, अब बस अपने काम पे फोकस करना है तुमको, पढ़ाई करना है, ठीक है। और गाइस बहुत जल्दी मम्मी, मेरी मम्मी बिहार से आने वाली है यहाँ पे, और जब मम्मी को शॉपिंग करना होगा ना, मेरा बहन का शॉपिंग, जितना भी शॉपिंग वगैरह होगा, मेरी बहन, मम्मी, भाई और पापा आ जाएंगे, तो वो भी आएंगे और यहाँ पे रहेंगे। उसके बाद और अभी हम लोग कुछ लिए नहीं, हमको भी नीचे में मतलब ये सब बिछा के सोना पड़ेगा। अभी हम लोग बेड नहीं लिए, बेड ले लेंगे तो दोनों रूम में ऐसे ही बिछाए, पर नीचे सोने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये इसमें क्या लिखा हुआ, आई यहाँ पे लव यू, आई लव यू, आई लव यू, हम तो लिया नहीं देखे, हम यू देखे। हाँ, आई यू देखे सिर्फ। वैसे हमको घर ही बहुत ही अच्छा लगा, घर मतलब इसमें कुछ कमी वमी नहीं, मतलब सब कुछ ठीक है। दो रूम दे दिया, एक किचन है और बाथरूम, और हम और मेरे हस्बैंड और उनके साथ जो है हम लोग को जो वीडियो बना देते हैं वो रहते हैं, तो तीन जन के लिए बहुत ही अच्छा है। और आदमी मतलब कोई कोई आदमी हम लोग के फैमिली का कोई यहाँ पे आएंगे, जैसे मेरी मतलब मम्मी मतलब मेरी ननद, शॉपिंग वॉपिंग करने, तो बहुत ही अच्छा से मतलब आ जाएंगे आप लोग। वैसे हम लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तो रुकेंगे नहीं, मतलब ये महीने रुकेंगे, होली वगैरह खेलेंगे, अगला संडे तो वहीं पे चल जाएंगे शादी में। हाँ, उसके बाद तैयारियाँ वगैरह होने लगेगा, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ऐसा ही होता है ना कि आ जा करना पड़ता है। तो हम लोग मेरे मम्मी मतलब मम्मी का जो घर है वो छोटा पड़ जाता है, हम लोग रहने की वजह से मम्मी भी अच्छे से नहीं रह पा रहे, इसलिए ये सोचे कि हम रूम भाड़ा ले लेते हैं, जो मम्मी को भी अच्छा हो जाएगा और मेरे लिए भी अच्छा हो जाएगा। क्या है ना गाइस कि मेरा ससुराल का जो घर है वो एक ही रूम है उसमें, और एडजस्ट नहीं हो पाते, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता। होली दिन में मिठाई यार से ठीक, कुछ कुछ मम्मी भूल गए थे पूजा का सामान ना, अभी घर बनाने मैंने गंगा जल, शुद्ध होता है घर, मतलब घर में तो मतलब देखो, तो चलिए अभी पूजा वगैरह करेंगे, झुके पर पूजा करके हम लोग कोई धूप करता है पड़ता। अच्छा रहता है वो सब चीज, वो ठीक भी रहता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा हमारा फ्लैट, तुमको अच्छा लगा ना? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। एक इस रूम में अलमारी दिया था और एक पंखा दे दिया, बस गंदा घर कर देते हैं, पूछना पड़ता है तो क्या करेगी तुम, पूरा कलर कलर हो गया, इसको सड़प दे के अच्छा से इसको ये करना पड़ेगा, तो ये दाग नहीं हटेगा ना। चलो ये ड्यूटी है तुम्हारा आपसे, ठीक है। कौन है? नहीं कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग समझ ही सकते हैं, लेडीज इसलिए मम्मी कर रहे हैं, तो सारे इसको यहाँ पे मतलब टांगा जाता है, पर हमें नहीं मालूम कि कैसे यहाँ पे टांगा मतलब टांगा था, और मालूम नहीं कैसे टांगता है, तो कल होगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ मम्मी भूल जाते हैं ऐसा ना हम सच न होगा जब ही ना दिल में चल गया है। तो मम्मी कुछ ऐसा
पूजा किया ऐसा बात है। फर्स्ट में तो ना पूजा नहीं करवाई इस रूम को, अफसोस है मेरा, पर कोई बात नहीं, रोज की रोज हम भी साथ दिखाएंगे। आज मम्मी दिखा दीजिए। अभी के बजे 6, इसीलिए मम्मी बोलते हैं 6 बजे या 5 बजे साँझ दिखाया करो, जो अच्छा रहता है घर के लिए। तो मम्मी अपना घर पे दिखा दिए, पर मम्मी को यहाँ भी हम बोले थे कर लेने के लिए। मम्मी ये अगरबत्ती क्या बोलता है, खुशने में रहता है ना, भूल गए। चलिए घर हमारा शुद्ध हो गया अब। पूजा करने चाहिए, शाम को शाम पूजा कर लेगा। मैं जब छिट गया वो धूप दिखा था, गेट उठ खुल गया 12 में। हाँ, एक में पंखा है, एक में कूलर है छोटा वाला। हवा दे एक बार होता है, पर घर गंदा होता है। अच्छा था हमारा पंखे, अभी फिर गंदा किए आपके चाय। तुम धो देना, तुम किस लिए बनी हो? इसको धोया नहीं जाता, इसको पोछा जाता है। हाँ, पोछा मार देना। और ठंडा कमर ले लिए वो तकिया भी वो। हाँ ठीक, ठंडा पंखा के तेज लग जाए। गाइस आप लोग बोलते हो कि आर्यन 2 दिन जाता है ब्याह, फिर आ जाता है, फिर जाता है, फिर आ जाता है। ये तो घर जमाई बन गया है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो वेला है पूरा। ये सब गलत। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं उस फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे सासू माँ को 20 साल रखा गया अपने घर में, ठीक है। मैं वैसा फैमिली से हूँ, और ऐसा आप लोग कैसे सोचते हो मुझे ये नहीं पता। अरे यार, मैं घर जमाए बन गया हूँ, क्या बन गया हूँ वो मुझे पता है ना। और मैं आप लोग जितना भी सोच रहे हो ना, बहुत गंदा है ये सब। और मैंने फ्लैट ले लिया, अब फिर आप लोग को दिक्कत होगा कि अब तो ये राहुल भैया के जैसा बन गया है। फ्लैट ले लिया है, फिर यहाँ रहेंगे, मम्मी को छोड़, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ फ्लैट ले ली तो हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। मेरी जो मेरी सास मतलब है, वो यहाँ पे आके रह भी सकते हैं, ये भी अच्छा बात है। मतलब मेरी मम्मी क्या नहीं, मेरे मम्मी का जो मन होगा वो करेंगे यार। मतलब मेरे कहने पे यहाँ पे आके रहे, मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा उनको। उनको जो मन करेगा वो करेंगे, क्योंकि माता मतलब मेरी माँ है वो, ठीक है। माँ को कभी छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। ये नहीं कि वहाँ से मम्मी का ना गया, ये घर जमाई बन गया, ऐसा कोई बात नहीं। मेरा मम्मी लोग बहुत जल्दी आएंगे इधर, मैं जाते रहूंगा उधर। पर आप लोग जितना भी कॉमेंट करते हो चांदनी को लेकर, ये मेरी बीवी है और भाई बस है, हो गया शादी। अब ऐसे आप लोग कोई कमेंट करते हैं उतना हम लोग दिल पे नहीं लेते। मतलब ना भी गंदा कमेंट मत कीजिए, एक जगह हम लोग को भी बुरा लगे, पर इतना कोई बात नहीं है। आप लोग अरे उन लोग का सोच है, जो वो बोलने दो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही ज्ञान, फिर मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और चाहने वाले को दिल से सलाम, और हेटर्स को प्लीज। तो चलिए बाय।